वैसे तो सभी लोगों को पता है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में कि किस तरीके से राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया था, और आज भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी प्रचलित है और आज भी इनके सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। पर जब राधा कृष्ण की हुई ही नहीं तो उनकी प्रेम कहानी में सच्चाई कैसे और किस तरीके से हुआ था राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का अंत, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, गर्ग साहित्य के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने जा रहे थे तब उन्होंने राधा जी से कहा था कि वो जरूर वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, बल्कि बाद में उन्होंने रुक्मणी से शादी कर ली थी, क्योंकि कहा जाता है कि रुक्मणी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। और इधर राधा की शादी किसी यादव के साथ हो गई और राधा ने पूरे मन से अपने जीवन अपने परिवार को दिया, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो अपना परिवार छोड़कर कृष्ण से मिलने चली गई और दोनों मिलने के बाद भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए। लेकिन राधा के अंतिम समय में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की और एक मधुर सी बांसुरी की आवाज सुनाई थी, और इस तरह से अंत हुआ था राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।